आज बहुत गर्मी हो रही है और ऊपर से मच्छर मच्छर काट ले, कान में कवाली ना मचाए। अरे राही बेटा, अरे बेटा रात को ये कौन सा हिसाब कर रही हो? परेशानियां इतनी है कि दिन में हिसाब पूरा नहीं होता तो रात को भी करना पड़ता है। ये आश्रम गिरवी है, बच्चों के सर पर तो पहले ही माँ बाप का साया नहीं रहा, अब ये छत भी नहीं रहेगी तो कहाँ जाएंगे, सब क्या करेंगे? अगर इस आश्रम को बचाने तो एक एक पैसा बचाने का रास्ता निकालना होगा। हम परायों के लिए इतना क्यों कर रही हो बेटा तुम? क्योंकि आप सब पराए नहीं है, आप सब लोग परिवार हैं मेरा, आप लोग अपने हैं मेरे, ये मेरा घर है और अपने घर परिवार को मैं बचा के ही रहूंगी। दीदी निर्णय आ रही है। अरे तो कोई बात नहीं, तुम्हारी राही दीदी के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है, जहां राही वहां राह। तू खबाई, आप द्वारकाधीश के पास ये मुरझाया हुआ चेहरा लेकर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि आपने ही तो सिखाया कि भगवान को मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाया करते। आप जो मांगने जा रही है ना, वो आपको जरूर मिलेगा। एक तरह से मुझे पहले दे दिया है कान्हा जी। मतलब ये कि मैं कान्हा जी के पास अपनी बेटी मांगने जा रही हूँ ना, तो उन्होंने मुझे छोटी के खोने के पहले एक और बेटी दे दी है। वाह बेटा वाह, बहुत सुंदर लोरी थी, किससे सीखी? माँ से, माँ से। माँ के मुंह से तो डांट भी लोरी की तरह लगती है। माँ की बहुत याद आ रही है। मैं वो माँ हूँ जो अपने बच्चों को कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलने देगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे खुद अपने बच्चे को पुलिस के हवाले करना पड़े। मरे हुए को याद नहीं किया जाता। तुझसे मिलने की उम्मीद ही है बेबली, जिसने अब तक मुझे जिंदा रखा हुआ है। अब मर चुकी है मेरे लिए, भगवान करे कि आप गलती से भी कभी मेरे सामने ना कभी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।